वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आज एक अत्यंत पवित्र कार्य आरंभ हुआ है गोरक्षा का, और वो कार्य है भारतीय देसी गाय के गोबर से आज एक खाद का संयंत्र जड़खोर गोधाम में स्थापित हुआ है, और उसका इतना अच्छा परिणाम आने वाला है कि पूरा क्षेत्र रासायनिक जहरीली जो खाद है, कीटनाशक है, उससे विमुक्त होगा। भारतीय देसी गाय के मूत्र से निर्मित कीटनाशक जो बहुत उपयोगी है, गोमूत्र से निर्मित कीटनाशक भी यहां बनेगा, और बहुत सुंदर भगवत कृपा से अत्यंत सुंदर ये खाद का निर्माण, दानेदार खाद का निर्माण आज से आरंभ हुआ है। निकट भविष्य में पूरा क्षेत्र गो कृषि उत्पादित अन्न का आधार बनेगा। स्वस्थ भारत और स्वावलंबी भारत के निर्माण के दिशा में यह एक बहुत उत्तम कदम होगा जो आज स्थापित हुआ है भगवत कृपा से। तो महाराज जी, पूरे देश में जो गोवंश के सेवा सुरक्षा को लेकर संकट है, उस संकट का समाधान का उपाय क्या है? सरकारों को तो सहयोग करना ही चाहिए, प्रजा को तो सहयोग करना ही चाहिए, लेकिन इसका बहुत उत्तम आधार यही बन सकता है कि हम भारतीय देसी गोवंश के गोबर गोमूत्र का सर्वोत्तम उपयोग कर सकें, और ये गोबर गोमूत्र के उपयोग की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छा कदम है। हमें ऐसा विश्वास है कि भगवान की कृपा से, गो माता की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से निकट भविष्य में जड़खोर गोधाम देश की एक ऐसी आदर्श गो सेवा का प्रकल्प बनेगा, गौशाला बनेगी, कि हम ईमानदारी से बड़े स्वाभिमान पूर्वक विश्वास पूर्वक कह सकेंगे कि यह गौशाला पूरी तरह आत्मनिर्भर है, हैं? ये आत्मनिर्भरता की दिशा में उठाया हुआ एक कदम है, एक कदम है। और इसका निश्चित परिणाम आएगा। यद्यपि हमारे सुनने में आया था कि ये बटुक ब्रह्मचारी गायत्री पुरुषण में ये जाएंगे तो उनको बहुत समय लग जाएगा, जप में भी बहुत बहुत देर हो जाएगी, लेकिन इसलिए एक मत ये था कि आचार्य जी, आचार्य श्री महेश जी, पर मैंने कहा भाई इतने पवित्र कार्य में गौ माता की तो गोष्ठ है ही है, वो गौ माता भी उपस्थित हो, और इतने ब्राह्मणों की चरण रज पड़ जाएगी तो निश्चित गोवंश की रक्षा का एक बहुत पवित्र कार्य होगा। आप सबने बड़ी कृपा की इतना समय दे करके। अब भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि ये जल्दी से अत्यंत सफलता की ओर अग्रसर हो, पूरे क्षेत्र को इसका लाभ मिले, और गोवंश के गोबर गोमूत्र का उत्तम उपयोग हो सके, जिससे कुछ गौशाला को आत्मनिर्भर बनने में सहयोग मिले। इन्हीं शब्दों के साथ हम प्रणाम करते हैं।